देखिए दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ क्या है, मैं जिम जाऊं कि ना जाऊं, बहुत बच्चों का ये चलता रहता है और डिसाइड करते करते जाऊं ना जाऊं, फिर पापा से कभी पैसे बोलूंगा, फिर बोलूंगा अरे यार पैसे भी खर्चे हो रहे हैं, जाऊं कि ना जाऊं। जिम अभी नहीं जाना आपको, क्यों? क्योंकि अभी आप जिम जाओगे भी ना तो आपकी जिगेनेटिक पर्सनैलिटी नहीं बनेगी, वो भीम का है शरीर और मसल स्ट्रेंथ ग्रो नहीं करेगी 16 साल में 18 की एज में। तो अभी आप जिम ना जाएं, पैसे बचाएं और हो सके तो जिम की जगह पे आप रनिंग कर लें या फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ कर लें। जैसे आपकी एज में मैं क्या करता था, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जिम जा सकता था बट नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि मुझे लगता था मुझे यार मेरे लेवल के भैया है नहीं वहाँ पे। जिम में आप जाओगे तो आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, आपको आपकी एज के कोई हार्डली आपको कोई 10 में से 1 कोई मिल जाएगा। तो ऊपर जाइए छत पे, मैंने क्या किया, छत पे 2 ब्रिक लिए और 3 बीते का गैप रखा, 1 2 3, एक इधर रखा एक ईट इधर रखा, शुरू हो गया। तो कैन यू डू इट दिस एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स 15 मिनट्स? एंड मैं आपकी एज में था तो मैं 500 मतलब 250 पे रुकता था, फिर 250 के बाद फिर 250 करता था और अपने बड़े पापा के घर रहता था और बड़ी मम्मी की ड्यूटी लगा रखी थी बड़े पापा ने चेक करने के लिए कि ये कितने कर पा रहे हैं। मैं अपने कजिन्स के साथ करता था ये काम, तो कंपटीशन भी हो जाता था बगल में, वो भी शुरू करता था बगल में, मैं भी शुरू करता था। सुबह 5 बजे शुरू करते थे, 5:30 तक ठंडा मौसम रहता है, आराम से कर लिया एक्सरसाइज। 97% 98% से ज़्यादा भी कुछ इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? लीडरशिप। और लीडरशिप में जो भी एक अच्छा लीडर बनना चाहता है उसके लिए हाइएस्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है टाइम का। लाइफ लीडरशिप एक ऐसी बात है जो लाइफ में आपको वर्टिकली ग्रो कराती है। जैसे एग्जाम्पल, वो आपके एटीट्यूड को शेप करती है, वो आपकी आइडेंटिटी प्रोड्यूस करती है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली। विराट कोहली पसंदीदा क्रिकेटर है, मैं भी बहुत उसको लाइक करता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग क्रिकेट एज अ लीडर, आपको देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धोनी एंड विराट कोहली। धोनी के अंदर क्या डिफरेंस है? जस्ट बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, उसको रिसोर्सफुलनेस इसको बोलते हैं। कोई भी टीम दे दो 11 की, वो 11 की टीम में बेस्ट निकाल देगा। उसको पता है इस बंदे को कहाँ पे लेना है, इसको कैसे मोटिवेट करना है। He has in his own approach. जैसे हर विकेट कीपर बॉल को रिसीव करता है, वो बॉल को रिसीव नहीं करता। जब से उसने विकेट कीपिंग शुरू करी उसने बॉल को स्नैच किया, रिसीव करने में ये 2 सेकंड जा रहे हैं, उसने क्या किया, स्नैच किया। तो देर इज अ डिफरेंस इन एटीट्यूड, हाउ यू हैव क्रिएटिविटी, हाउ यू हैव इनोवेटिव अप्रोच इन योर लाइफ। हर चीज को कॉपी नहीं करना है, एंड एसएसबी भी यही बात आपसे एक्सपेक्ट करती है कि नेवर कॉपी ऑल इंडिया रैंक 1। आप ऑल इंडिया रैंक 1 का वीडियो देखते हो, उसके जवाब से इनडायरेक्टली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव करते हो। डोंट सेव इट, एनालिसिस करिए कि अच्छा इसका बैकग्राउंड ये होगा इसलिए ये जवाब दे रहा है। दैट मे बी और मे नॉट बी ट्रू फॉर माई कंटेक्स्ट, ये मेरे लिए सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो मेरा अपना जवाब क्या होगा, मेरा अपना, क्यों? क्योंकि आपका जो PIQ फॉर्म जब आप SSB के लिए जाते हैं, मतलब आपका जो जन्म कुंडली है, जो आपका बायोडेटा है, वैसा आपके जैसा किसी दूसरे का नहीं है। आपकी पेरेंटिंग, आपकी नर्चरिंग, आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपकी स्कूलिंग, ये सब कुछ आपकी यूनिक है, आप जैसी किसी दूसरे की नहीं है, है क्या, मुझे बताइए। तो दूसरे के जवाब से आप कैसे कॉपी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अपने जवाब, अपने रिस्पॉन्सेस ट्राई टू फ्रेम बाय योर ओन, खुद से इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद से लीडरशिप के किस लेवल पे बनना चाहते हो। जैसे आप चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस बनना चाहते हो, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनना चाहते हो, दैट इज योर लॉन्ग टर्म विजन, लिख लो लॉन्ग टर्म गोल में लिख लो।
2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में, तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको ए टू जेड प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडी एग्जाम प्रिपरेशन। प्लीज कॉल ऑन 9795977776 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।